मंडी शहर के मुख्य बाजार की कुछ दुकानों में सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां खूब उड़ाई जा रही हैं। लोगों द्वारा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पुलिस प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लगातार अभियान चलाकर बाजार में लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, परंतु कुछ लोग अभी भी कोरोना महामारी को हल्के में लेकर इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। हिमाचल प्रदेश के व्यापार मंडल सचिव हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि यदि शहर में कुछ दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शुरू होने के बाद लोगों को लगा कि अनलॉक हो गया, मतलब कोरोना महामारी खत्म हो गई, और लोगों ने इसको मजाक में लेना शुरू कर दिया, हल्के से लेना शुरू कर दिया कह लिया जाए तो। उसका परिणाम जो है वो अब देखने को आ रहा है, जब प्रदेश में रोज के 300 से लेकर 400 के मामले रोज सामने आ रहे हैं, और जहां तक मंडी की बात करें तो मंडी में तो स्थिति और भी भयावह है। मंडी का आंकड़ा पिछले हफ्ते से 30-40 से शुरू होकर, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कल जो है वो आंकड़ा 100 को पार कर गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने इसको, जो कोरोना को हल्के में लेना शुरू किया है, वो बहुत बड़ी भूल है हमारी। अभी भी ये देखा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सैनिटाइज़र तो मुझे लगता है लोगों को जेब में डालकर ही घूमना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो सैनिटाइज़ करिए अपने हाथ। देखिए, तीन छोटे छोटे काम करके अगर आप कोरोना से बच सकते हैं तो मुझे लगता है इसमें दिक्कत क्या है। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कोरोना का जो कम्युनिटी एक स्प्रेड वाला जो पीरियड था वो हिमाचल में देर से आएगा, क्योंकि कोरोना हिमाचल में देर से दस्तक दी थी। तो और स्टेटों में कम्युनिटी स्प्रेड वाला पीरियड जो था वो पूरा हो भी चुका होगा, लेकिन हिमाचल में मुझे लगता है आजकल वो कम्युनिटी स्प्रेड का पीरियड चल रहा है। तो आजकल हमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, लेकिन हो इससे उलट रहा है, लोग इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो मेरा व्यापारी भाइयों से भी, व्यापार मंडल के सचिव होने के नाते, प्रदेश सचिव होने के नाते, मेरा व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध रहेगा कि वो अपनी दुकान में पूर्णतया लॉकडाउन वाली स्थिति ही बहाल रखें। जिस तरह से लॉकडाउन में उनको ये निर्देश दिए गए थे, लॉकडाउन जब खुला था, कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, शॉप पे भी जो कस्टमर है उनके लिए उस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि उनमें डिस्टेंस बना रहे। तो व्यापारी भाइयों से पुनः मेरा ये निवेदन रहेगा, और सभी हिमाचल वासियों से, मंडी वासियों से पुनः विनम्र निवेदन है कि जो ये स्थिति चल रही है आज ट्रांसफॉर्मेशन की, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, इसको गंभीरता से लेते हुए, अपना तथा अपने परिवार का, परिजनों का ध्यान रखते हुए कृपया इसके बारे में। सोनी ज्वेलर्स नियर चौक जिला मंडी, सोना और चांदी की खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश या इन्वेस्टमेंट प्लान उपलब्ध, तो आइए सोनी ज्वेलर्स नियर चौक, जहां पर अलग अलग तरह के नवीनतम और आकर्षक गहने उपलब्ध है। सोना चांदी और हीरे जवाहरात में आज ही निवेश करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। सोनी ज्वेलर्स नियर चौक जिला मंडी, आज ही संपर्क करें।